नमस्कार आदाब सत्या मैं हूं कपिल काटपाल स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड अदर दिस इज 24th ऑफ जून 2022 विद मी 24 जून 2022 की तमाम खबरों में आप सभी का स्वागत है उम्मीद करता हूं आप इस सेशन को डेली फॉलो कर रहे हैं इसी तरह से इस सेशन को डेली फॉलो करते रहेगा डेफिनेटली आप अपने करंट अफेयर सेक्शन में 90 परसेंट तक स्कोर कर सकते हैं इतना अच्छा कंटेंट आपको यहां पर इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेगा अगर आप नए जुड़े हैं इस चैनल से जहां पर आपको मेरी सारी क्लासेस की अपडेट्स और क्लासेस के लिंक्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे जो जो क्लासेस जितनी क्लासेस मैं यहां पर लेता हूं राइट आ, अगर आप एक टेस्ट लेने की तलाश में है मोकटेस्ट टेस्ट लेना है आपको बैंक एग्जाम के लिए और आप आरआरबी पीओ एग्ज़ाम आरआरबी क्लर्क एग्ज़ाम फिल किया है तो हमारे मोक टेस्ट को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा पहला मोक टेस्ट फ्री है उसको जाकर देखिएगा अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर इस टेस्ट सीरीज़ को लीजिएगा आपको आफ्टर डिस्काउंट फोर नाइन्टी में ये मिलती है पूरे एक साल की सीरीज़ है जिसमें इस साल के मॉक टेस्ट इंक्लूडिंग द प्रीवियस टू इयर्स के मॉक टेस्ट इंक्लूडेड है अगर आपको मेरे जीए कंटेंट पे विश्वास है तो आप बेझिझक आंख बंद करके मॉक टेस्ट और हमारी नोटबुक सीरीज पर विश्वास कर सकते हैं एंड वन मोर थिंग इसका जो इंटरफेस है वो हु आई वी पी एस जिस इंटरफेस पे एग्ज़ाम लेता है सेम टू सेम वो इंटरफेस है ताकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे तो तब आपको वो एकदम अचानक से अलग सी फीलिंग ना आए क्योंकि आप पहले ही घर पर बैठे बैठे इतने सारे मॉक टेस्ट लगा लेंगे अगर आप ये वाले परचेज कर लेते हैं तो एग्जाम से पहले ही कि आपको वहां जाकर कुछ भी अजीब सा नहीं लगेगा सेम टू सेम वही लगेगा जो आप टेस्ट दे रहे हैं हुँ, हुँ, वही इंटरफेस चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को एंड uh, पहली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं पहली न्यूज यहां पर आई है आपकी दैट इज़ द मिथाली राज आपने नाम सुना होगा मिथाली राज जी का हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट भी घोषित की है एक महिला क्रिकेट है क्रिकेटर हैं काफ़ी सालों से तकरीबन आई थिंक तेईस सालों से यहाँ पर क्रिकेट खेल रही थी और आ, इवन सचिन तेंदुलकर से भी ज़्यादा ये इंडियन क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं इन्हीं के नाम पे इन्हीं के एक नाम या कह लीजिए इन्हीं की जिंदगी के ऊपर एक नई मूवी बनने जा रही है जिसका ट्रेलर आपने हाल ही में देख लिया होगा खैर ये न्यूज अगर मैं कहूं कि हाँ हो सकता है कुछ चांसेस है इस तरह के न्यूज आने के लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है मिथाली राज के बारे में इस बार अभी हाल ही में एक खबर आई थी जिसमें मिथाली राज ने रिटायरमेंट की घोषणा की थी और उसके बाद ये इस तरह की न्यूज यानी कि आपको डेफिनेटली जो मिथाली राज है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम पॉइंट से और उनके बारे में आपको पता होना चाहिए एक एक बात तो इसलिए आई थॉट कि ये न्यूज भी आपकी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी बाकी न्यूज आपके लिए है सो so, यहां पर हाल ही में एक मूवी जिसका ट्रेलर आपने देखा होगा तापसी पन्नू उसमें आपकी मूवी में यहां पर आ रही है रोल प्ले करेंगी मिथाली राज का यहां पर और इस मूवी का नाम है शाबाश मिट्टू द फिल्म इज अ बायोपिक बेस्ड ऑन डाय श्रीजीत मुखर्जी और लिखा है प्रिया एवन ने और इसको यहां पर लॉन्च किया था सौरभ गांगुली ने इसका ट्रेलर यह एक और खास बात हुई इसका ट्रेलर लॉन्च किया गया सौरभ गांगुली जी के द्वारा यहां पर एग्जाम पॉइंट से पहला क्वेश्चन तो यही है इनकी मूवी का नाम क्या है दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर इसका ट्रेलर किसने लॉन्च किया था बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली ने आपका इसका ट्रेलर लॉन्च किया था और बाकी इसके डायरेक्टर का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है ठीक है तो ये यह यहाँ पर कुछ क्वेश्चन यहां पर इस न्यूज में से बनते हैं पहला तो आपका इसका नाम पूछ सकते हैं ठीक है मिथाली जी की जिंदगी के ऊपर है ये आपका डायरेक्टर का नाम पूछ लिया और ट्रेलर का पूछ लिया कि किसने अनवील किया है लॉन्च किया है इसका ट्रेलर बाकी इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि मिथाली राज की जिंदगी काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मिथाली राज के बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि मिथाली राज यहां पर आपका बिलोंग करती हैं जोधपुर से पहली चीज़ तो कहां से बिलोंग करती हैं जोधपुर से बिलोंग करती हैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलती हैं खेलती थी अभी हाल ही में जस्ट इसी मंथ इन्होंने रिटायरमेंट लिया है तेईस साल ये क्रिकेट खेली हैं सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा इनकी जो पीरियड था खेलने का उससे भी ज्यादा था यहाँ पर एंड ये सितंबर 2019 में ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुकी थी लेकिन वनडे इंटरनेशनल खेल रही थी और टेस्ट क्रिकेट भी टी से इन्होंने रिटायरमेंट ऑलरेडी अपनी घोषित कर दी थी राइट इन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू वनडे इंटरनेशनल अगेंस्ट आयरलैंड के अगेंस्ट आपका किया था इन द ईयर 1999 में 1999 में इन्होंने अपना डेब्यू किया था इन्होंने इंडिया को 232 वनडे मैचेस में रिप्रेजेंट किया है जिसमें उन्होंने 7,805 रन बनाए थे और ये इकलौती महिला क्रिकेट है जिन्होंने 7,000 रन के आंकड़े को क्रॉस किया था आपका इस वनडे इंटरनेशनल मैचेस में इसके अलावा सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भी इन्हीं के ही नाम पे है वनडे इंटरनेशनल मैचेस में मिथाली राज के ही सबसे ज्यादा रन हैं इन्होंने 12 टेस्ट मैचेस खेले हैं जिसमें 699 बनाए हैं और 89 नाइन टी ट्वेंटी खेलने हैं जिसमें 2364 थ्री रन इन्होंने बनाए हैं ये आपकी इकलौती ऐसी महिला थी जिन्होंने दस रन बनाए सभी के सभी फॉर्मेट्स में यानी कि टी ट्वेंटी वनडे इंटरनेशनल एंड एज वेल एज दी आपका टेस्ट क्रिकेट में टोटल इनके सभी के सभी स्कोर में सभी के मिला लू तो तो और ये बनी इसी के साथ लीडिंग रन स्कोर ऑफ ऑल टाइम इन वीमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट ये इनकी एक खास बात रही मार्च 2021 में ये पहली इंडियन महिला क्रिकेटर बनी थी और सेकंड पूरी दुनिया में जिन्होंने दस हजार रन यहां पर क्रॉस किए थे इन्होंने पीछे छोड़ा था शेरोलेट एडवर्ड्स को जिन्होंने दस हजार दो सौ तिहत्तर थ्री रन यहां पर बनाए थे उनके रिकॉर्ड को तोड़कर और ये यहां पर बनी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर गवर्नमेंट ने उनको अर्जुना अवार्ड से 2003 में सम्मानित किया एंड इसके अलावा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 में हाल ही में उनको दिया गया इसके अलावा पद्मश्री 2015 में दिया गया है इनको एंड इसके अलावा विस्डर्न लीडिंग वीमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड इन 2017 में भी इनको दिया गया है तो यहां पर एक एक शब्द एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन बना रहा है तो इस पूरे के पूरे दो पेज की इनके बारे में जिंदगी के बारे में आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए कौन है मिथाली राज कहाँ से शुरुआत हुई थी कहाँ से बिलोंग करती हैं कितने रन्स बनाए क्या क्या रिकॉर्ड उनके नाम है कौन कौन का अवार्ड उनको दिया गया है ये आपको बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीज आपके माइंड में छपी होनी चाहिए तभी इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में आई एम डैम श्योर किसी भी एग्जाम में इस साल जो भी एग्जाम आपके होंगे उनमें आपको एक क्वेश्चन मिथाली राज का इन्हीं दो स्लाइड्स या इन्हीं तीन स्लाइड्स में से मिलने वाला है ध्यान रखिएगा अच्छे से करके जाइएगा इस पूरी पूरी न्यूज को अगली न्यूज पे चलते हैं हम अगली न्यूज आई है यहां पर स्कॉल रिंग्स इन पहले इंडियन माउंटेनियर बने हैं जिन्होंने क्लाइम किया माउंट अन्नपूर्णा पीक एज एज दाउंट लहोत्सैंग रिज रिग इन लेह लद्दाख से बिलोंग करते हैं ये यहां पर ओके okay, और ये पहले माउंटेनियर बने हैं इंडिया से जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा जिसकी ऊंचाई आठ मीटर एट मीटर्स है अब सी लेवल एंड टॉप विदाउट द एड ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बिना ऑक्सीजन की मदद के बिना यहां पर इन्होंने इसकी चढ़ाई की एंड इसलिए ये फर्स्ट इंडियन माउंटेनियर टू क्लाइंब दिस पीक विदाउट दी

कहां पर खुलता है खुल जा सिम सिम ओके सो ये आपका हिमालय नॉर्थ सेंट्रल नेपाल दैट इंक्लूड्स वन पीक ओवर एट थाउजेंड मीटर थर्टीन पीक्स ओवर सेवन थाउजेंड मीटर यहां पर आपका ये कुछ इस तरह से आपका दिखता है ठीक है माउंट अन्नपूर्णा दूर से देखें तो राइट माउंट लहोद से भी इसके आसपास ही आपको दिखेगा और यहीं कहीं ही आपको यहां पर माउंट एवरेस्ट भी आसपास जब हम देखेंगे देखो अन्नपूर्णा ये रहा ये अन्नपूर्णा और लाहौद से भी अच्छा ये तो अन्नपूर्णा ये लाहौत से भी इधर उधर ही आपको दिख जाएगा सारे के सारे माउंटेनरी नेपाल का ही ये इलाका है पूरा का पूरा और यहीं पर ही आपको यहां पर आसपास मिल जाएगा माउंट एवरेस्ट भी ओके okay. सो हेयर इट इज़ दी लाहौद से एंड लाहौद से बिल्कुल माउंट एवरेस्ट के साथ ही है, नुप्त से साथ में ये पहले भी मैंने एक बार दिखाया था आपको याद होगा मैप है ना ये पूरा पूरा रास्ता वही बनता है आपका वहीं से सारे लोग जाते हैं चलिए आगे चलते हैं यह था आपका माउंट लोहोस्य और माउंट अन्नपूर्णा स्कैलजंग रिगजिन का नाम याद रख लेगा पहले भारतीय जिन्होंने बिना ऑक्सीजन की मदद से इसको यहां पर ईट किया है इसमें यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दो तो है ही इनका नाम तो है ही लेकिन मैं एग्जामिनर होता तो मैं इनकी ऊंचाई पूछता तो इन दोनों की ऊंचाई जो है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको याद करना है आगे चलते हैं हम फर्स्ट इंडिया नेपाल भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन सो so आपको याद होगा लास्ट मंथ या उससे लास्ट मंथ मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं आ रहा हमने एक ट्रेन के बारे में जिक्र किया था आपसे करंट अफेयर्स की क्लास में ही हमने बात की थी और वो ट्रेन थी यहां पर आपकी भारत गौरव ट्रेन जो कि यहां पर रामायणा सर्किट की भारत गौरव ट्रेन यहां पर चलाई जानी थी और उस ट्रेन को यहां पर कहा गया था तब न्यूज आई थी कि चलाई जाएगी अब ये न्यूज आई है चलाई जा चुकी है मतलब इसको अब फ्लैग ऑफ कर दिया गया है तो कंफ्यूज़ मत होइएगा कि वो न्यूज कहीं अलग थी या ये न्यूज अलग है कुछ ऐसा सेम ही न्यूज है ये पिछले महीने की न्यूज थी कि उसको किया जाएगा फ्यूचर में शुरुआत और अब शुरुआत हो चुकी है देखते हैं क्या है ये है भारत गौरव यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन भारत गौरव स्कीम जो भी आप कह लीजिए सो भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के तहत यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो तीर्थ स्थान हैं उनको यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा आपका एक टूरिस्ट ट्रेन के माध्यम से इस जो टूरिस्ट ट्रेन की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं जो ये आपके सामने न्यूज़ है इसमें आपका जहाँ जहाँ पर आपके श्री राम जी जो आपके लॉर्ड राम हैं हिंदू धर्म के भगवान उनके यहां पर जहां जहां पर वो रहे हैं जो भी अपनी रामायणा है रामायण जिसको हम कहते हैं रामायण है उसके अनुसार वो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी गए हैं जहाँ जहाँ पर भी जाते थे जहाँ जहाँ पर वो रुके थे उन सबको एक तीर्थ स्थल का ना यहाँ पर बन चुके हैं अब तक तो वो अलग अलग तीर्थ स्थलों को यहाँ पर कनेक्ट करेगी ये एक ट्रेन आप इस ट्रेन पर यात्रा करते हैं तो आपकी जो यात्रा है उसमें आपको उन तमाम इलाकों में उन तमाम शहरों में उन तमाम जगहों पर लेकर जाया जाएगा जहां पर कभी श्री राम जी रहे थे जो माना जाता है आपका रामायणा के अनुसार और अब इस न्यूज में आपको एक और चीज मिलेगी और वो मिलेगी यहां पर नेपाल जो यहां पर हेडिंग में भी बना हुआ है अब नेपाल नेपाल से आया है नेपाल है इसलिए क्योंकि एक जगह ऐसी है इस रामायण सर्किट में कि वहां पर राम जी गए थे तो इसलिए नेपाल के उस जगह को भी यहां पर शामिल किया गया है नेपाल के यहां पर शामिल किया गया है आपका दैट इज जनकपुर जनकपुर आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ जहां तक मुझे याद आ रहा है जनकपुर आपका जहाँ पर सीता माता जी जनकपुर ही थे ना जनक या, जनक उनके पिताजी का नाम था राइट वही है ये सो जनकपुर इन नेपाल अपार्ट फ्रॉम अदर पॉपुलर डेस्टिनेशन लाइक अयोध्या नंदीग्राम वाराणसी सीतामढ़ी चित्रकूट प्रयागराज हम्पी पंचवटी रामेश्वरम और रे भद्रचलम ठीक है रामेश्वरम काफी फेमस है अब सब जानते ही हैं जहां पर उन्होंने आ, शुरुआत की थी लंका की ओर जहाँ कूच किया था जो पत्थर कहते हैं ये फेंके गए थे और वो पानी में तैर रहे थे आज भी एक वहाँ पर ये माना जाता है काफी लोगों ने इसका साइंटिफिक लॉजिक भी निकाला कि वाकई में पुल बनाया गया था बहुत बार ये डिस्कवरी चैनल वैनल पर भी ये सब चीजें आपके देखने को मिलती हैं कि रामेश्वरम से जो पुल जा रहा है लंका की तरफ क्या वो सच में है आज भी एग्जिस्ट करता है नहीं करता है क्या हुआ था कैसे हुआ था सो so, यहां पर खैर उस पर हम नहीं जाएंगे हम अपनी न्यूज पे आते हैं सेंटर ऑफिशियली ऑफ भारत गौरव ट्रेन कनेक्टिंग इंडिया टू नेपाल फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम दिल्ली सफदरगंज रेलवे स्टेशन से इसने यहां पर अपनी शुरुआत की आई है जो पहली एजेंसी जिसने दो कंट्रीज को कनेक्ट किया टूरिस्ट ट्रेन के माध्यम से और भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन यूनियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है देखो अपना देश के तहत ट्रेन में यहां पर तकरीबन 500 भारतीय यात्री जो हैं वो यहां पर गए जिसमें 14 कोचेज हैं एंड ये ट्रेन यहां पर फर्स्ट श्री रामायणा यात्रा फॉर 18 डेज और कवर करेगी डिस्टेंस 8000 किलोमीटर का इसमें आपका पैंसठ हजार रुपए खर्चा है आपका पर पर्सन का पूरी पूरी जर्नी का तो यहां पर एग्जाम पॉइंट क्वेश्चन जो बनेंगे वो क्वेश्चन बनेंगे पहला क्वेश्चन कि कहां से यात्रा शुरू हुई है और यहां पर दूसरा क्वेश्चन कौन इस यात्रा को पूरा पूरा अरेंज कर रहा है दैट इज ई आई आर सी टी सी तीसरा ये यहां पर किस इनिशिएटिव के तहत किया गया है देखो अपना देश इनिशिएटिव के तहत किया गया है कितने टूरिस्ट इसमें गए हैं यात्रा कर रहे हैं पांच सौ टूरिस्ट चौदह कोचेस में एक पर्सन का कितना यहां पर खर्चा है 65,000 है कितने दिन की यात्रा होगी यहां पर 18 दिन की यात्रा होगी लोकेशंस आपके सामने हैं याद हो सकती हैं तो कर लीजिएगा नहीं हो सकती तो क्या कर सकते हैं और साथ ही साथ यहां पर इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया नेपाल के बीच में पहली बार एक ट्रेन फ्लैग ऑफ की गई वो ट्रेन किस से जुड़ी हुई है भारत गौरव ट्रेन है मतलब इंडिया नेपाल के बीच में ऐसा नहीं है पहले ट्रेन नहीं चली ट्रेन चली हैं लेकिन ये आपकी पहली टूरिस्ट ट्रेन है जो वहां पर एज अ टूरिस्ट को लेकर गई है तो वो ये ट्रेन की खास बात है इसलिए यहां पर फर्स्ट लिखा हुआ है कंफ्यूज मत कीजिएगा कि पहली ऐसा कुछ तो सर पहली बार चलिए पहले भी तो न्यूज आई है जिसमें इंडिया नेपाल के बीच में ट्रेन गई हैं इधर से उधर लेकिन ये टूरिस्ट ट्रेन है जिसमें केवल टूरिस्ट जाएंगे जो कि ये पूरी पूरी जगह हर एक डेस्टिनेशन में जाएंगे ऐसा नहीं है कि आप सफदरगंज से जाए और नेपाल में आगे उतर जाए नहीं ऐसा नहीं होगा जितने लोग यहां से सफदरगंज जाएंगे और 18 दिन तक इसी ट्रेन में रहेंगे और पैंसठ हजार पूरा का पूरा किराया देंगे और सारी की सारी जगहों पर यात्रा होकर वापस वो दिल्ली में पहुंच जाएंगे ठीक है इस तरह की ये पूरी की पूरी न्यूज है चलिए आगे चलते हैं हम रिसेंट न्यूज रिलेटेड ये अभी हाल ही में एक और न्यूज आई थी जो पहली आपकी अब प्राइवेट ट्रेन बनी है पहली प्राइवेट ट्रेन यहां पर आपकी जो कि इसके तहत आपकी शुरुआत की गई थी कॉयमटूर और शिरडी के बीच में आपको याद होगा ये तो आई थिंक कोई पांच दस दिन पहले की ही न्यूज है शायद इतनी ही पुरानी है जो कि शिरडी से कोयम के बीच में गई है भारत गौरव स्कीम के तहत लेकिन यह प्राइवेट थी ये आपकी आई की, की है जो गवर्नमेंट की एजेंसी है इंडियन रेलवेज की है चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं अगली न्यूज है इंडियन फंड्स इन स्विस बैंक जम्स ओवर 30 लाख करोड़ इन 2021 ट्वेंटी वन लाख करोड़ 2021 में यहां पर भारतीय लोगों का जो पैसा है स्विस बैंक में वो आपका तीस लाख करोड़ को यहां पर क्रॉस किया फंड बाय इंडिविजुअल एंड फॉर्म इन स्विस बैंक इंक्लूडिंग थ्रू इंडिया बेस्ड ब्रांचेस एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये 14 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा है जो कि है 3.83 बिलियन स्विस फ्रैंक थर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड करोड़ तीस हजार पांच सौ करोड़ यहां पर राइज इन दिगेट यानी कि बीस हजार सात सौ करोड़ एट ऑफ ट्वेंटी मार्क्स दी सेकेंड कंजिक्यूटिव ऑफ इंक्रीज तो यहां पर आपका ये इंडिया के जो लोग हैं उनका जो फंड है वो तकरीबन तीस हजार पांच सौ करोड़ रुपए यहां पर उससे भी ज्यादा यहाँ पर पड़ा है 2021 में जो कि है 3.83 बिलियन स्विस फ्रैंक के और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पिछले साल की पिछले साल यही फिगर आपकी 20,700 करोड़ थी जो कि पिछले साल भी काफी ज्यादा ऊंचाइयों पर थी और ये कंटिन्यूस इंक्रीज होती जा रही है अगर मैं असर्ट्स की बात करू और फंड्स ड्यू फ्रॉम द कस्टमर मतलब जो कस्टमर से पैसा लेना है वो यानी कि लोन की बात करूं तो मैं तो यहां पर इंडियन क्लाइंट्स ने यहां पर इंडियंस ने यहां पर तकरीबन 4.68 बिलियन ये सी एच एफ है वहां की करेंसी ठीक है वहां की करेंसी है यहां पर आपकी स्विस फ्रैंक है 4.68 पॉइंट एट बिलियन एट दी एंड ऑफ 2021 जो कि 10 परसेंट यहाँ पर ऊपर हुआ है बड़ा है दिस इंक्लूडेड ड्यूज फ्रॉम इंडियन कस्टमर वर्थ अबाउट थ्री ट्वेंटी थ्री मिलियन आफ्टर राइज ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट ड्यूरिंग द ईयर ठीक है तो यहाँ पर कस्टमर से लेना है पैसा लोन के फॉर्म में यहाँ पर लिया हुआ है ये यह यहाँ पर लिखा हुआ विच इज ड्यू फ्रॉम द कस्टमर इसमें यहाँ पर तकरीबन फोर पॉइंट सिक्स एट बिलियन जो है वो यहाँ पर 2021 में 2021 का पूरा पूरा डाटा इतना यहाँ पर इन्होंने लिया जिसमें से जो बकाया बचा है वो 328, 3, 323 मिलियन यहां पर बाकी बचा हुआ है ठीक है इन्होंने इतना लिया था और इतना बचा हुआ है यूके यहां पर इस लिस्ट में टॉप किया यानी कि यूके के जो सिटीजन उन्होंने स्विस बैंक्स में सबसे ज्यादा पैसा अपना जमा कराया हुआ है तकरीबन इतना उसके बाद यूएस से आता है दूसरे स्थान पर और ये दोनों कंट्रीज हैं इकलौती दोनों कंट्रीज हैं जो 100 बिलियन से भी ज्यादा जो पैसा है स्विस बैंक में अपना रखती है इंडिया का स्थान फोर्टी है ठीक है तो यहां पर एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन पहली चीज तो यहां पर ये फिगर आपको याद करना पड़ेगा अमाउंट दोनों में शब्दों में दोनों चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है स्विस फ्रैंक में भी पूछ सकता है और इंडियन रुपीज में पूछ सकता है करेंसी में यह पिछले साल का है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन स्टिल देख लीजिएगा और यह कितना ड्यू है यह भी फिगर मतलब इस पूरी पूरी न्यूज में फिगर्स का खेल है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर फिगर्स याद नहीं होते उसका क्या करें डाटाबेज न्यूज याद नहीं होती उसका क्या करें तो जो भी न्यूज डाटाबेस्ड होती है उसको लिखकर याद रख लो आपको याद होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि वो जब लिखी होगी और बार बार उस पर आपकी नजर पड़ेगी तो आपको वो धीरे 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 अपने आप याद होने लग जाएगी मैं बाकी चीज़ों को लिख कर याद करने के लिए इससे रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वो फिर यहां पर मैंने नोट्स बनाए हुए एक प्रकार से वहां भी आप नोट्स बनाओगे तो वो फिर नोट्स इतनी ज्यादा जल्दी से आप देख नहीं पाओगे जितनी जल्दी से आप इसको अपनी नज़रों से निकाल लोगे मैं अगर आपकी जगह होता तो ऐसा बढ़ता बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है देखो अपना अपना मेथड है करने का ट्राई करने का याद रखने का वो आप एडोप्ट कीजिए और वो उसके अकॉर्डिंग कीजिए मेरी बातों को इतना ज्यादा इस तरह की बात को जरूरी नहीं है कि आप मानिए है ना लेकिन हां डाटा बेस न्यूज जो अगर नहीं बना रहे तो डाटा बेस न्यूज को हमेशा लिख लिया कीजिए ताकि वो लंबे समय तक आपको याद रहे क्योंकि डाटा बेस में आपका बिल्कुल आप प्रॉपर छोटा छोटा उतना ही लिखेंगे मैं तो एज ए टीचर है मुझे तो सभी चीजें पढ़ानी पड़ेंगी मुझे तो बताना पड़ेगा लाइन टू लाइन लेकिन आपको यहां पर सिर्फ डाटा याद करना है तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो ओके और ये यूके यूएस टॉप टू पे है और इंडिया का स्थान फोर्टी है ये इंपॉर्टेंट है चलो अगली न्यूज पे चलते हैं फाइव जी टेस्ट बेड फॉर आर्मी ट्रेनिंग कमांड तो यहां पर आपका आर्मी ट्रेनिंग कमांड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने यहां पर हाथ मिलाया है टू तो एस्टेब्लिश फाइव जी टेस्ट बेड एट दी मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन माहौल इंदौर ओके सो यहां पर इंदौर में इंदौर में माहौल नजदीक है वहां पे और माहौ में यहां पर आपका फाइव जी टेस्ट बेड आर्मी ट्रेनिंग कमांड इनके द्वारा यहां पर टाइप किया गया आई मद्रास और आर्मी ट्रेनिंग कमांड का और ये यहां पर 5G टेस्ट बेड का मतलब क्या हुआ 5G टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया गया है यहां पर और इसको यहां पर अब यूज किया जाएगा इंडियन आर्मी के द्वारा इसके लिए उन्होंने एक एमओयू साइन किया है और ये एमओयू यहां पर 5G टेक्नोलॉजी के लिए मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा यहां पर महो इंदौर में किया गया इसको साइन आर्मी ट्रेनिंग कमांड के द्वारा ठीक है ओके आर्मी ट्रेनिंग कमांड जो है ये शिमला में स्थित है आर्मी ट्रेनिंग कमांड सो ये कोलैबोरेशन विल बी फॉर द इंडियन आर्मी टू यूटिलाइज द 5G टेक्नोलॉजी फॉर इट्स ऑपरेशनल यूज स्पेशली अलोंग इट्स बॉर्डर तो यहाँ पर क्वेश्चन किसने किसके साथ किया आईआईटी मद्रास ने आपका किया है आपका आर्मी ट्रेनिंग कमांड के साथ ओके okay, सो so ये आपका स्ट्रेटिक फैक्ट है एस एस महल इसके कमांडर हेडक्वार्टर मैंने आपको जैसा बताया शिमला में इसका ये रीसेंट न्यूज भी एक आर्मी ट्रेनिंग कमांड से आई थी आर्मी ट्रेनिंग कमांड और गांधीनगर बेस्ड राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ने भी हाल ही में एक एमओयू साइन किया था जिसके तहत वॉर गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश किया था ये वॉर गेम रिसर्च एंड डेवलप सेंटर की न्यूज आपको याद होगी ये बिल्कुल एक गेमी प्रोग्राम है जिसमें आपका एक गेम्स के थ्रू यहां पर आर्मी के जवानों को यहां पर ट्रेनिंग दी जा सकती है ठीक है वर्चुअल वर्ल्ड में उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है इनके साथ फील्ड में तो खैर ट्रेनिंग देते ही हैं लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड में भी उनको कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर इस सेंटर में दी जाएगी ये इसलिए यहां पर बनाया गया इसके लिए भी यहां पर उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी ने आपके टाइप किया था आर्मी ट्रेनिंग कमांड के साथ अगली खबर है यहां पर आपकी GE स्टीम पावर ने साइन किया एमओ भेल के साथ टू तो सप्लाई थ्री न्यूक्लियर स्टीम टर्बाइंस सो यहां पर तीन न्यूक्लियर स्टीम टर्बाइंस की सप्लाई के लिए यहां पर GE स्टीम पावर ने 165 बिलियन डॉलर का यहां पर एग्रीमेंट भेल के साथ साइन किया है इसके तहत वो यहां पर तीन न्यूक्लियर स्टीम टर्बाइंस यहां पर सप्लाई करेंगे आउट ऑफ सिक्स यूनिट जो छह यूनिट्स उसमें से तीन ये सप्लाई करेंगे फॉर द न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के डोमेस्टिक प्रोग्राम के लिए जो कि डेवलप किया जा रहा है गोरखपुर हरियाणा एल कायगा कर्नाटका में ठीक है इन जगहों के लिए यहां पर तीन स्टीम टर्बाइंस अवेलेबल कराएगा जीई स्टीम पावर जिसके लिए उन्होंने भेल के साथ टाइप किया है ल ने एक बिजनेस कॉपरेशन एग्रीमेंट किया है एज वेल एज लाइसेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट 2018 में किया था जिसके तहत वो यहां पर न्यूक्लियस स्टीम टर्बाइंस को यहां पर 700 मेगावाट की कैपेसिटी के यहां पर बना रहा है जी स्टीम पावर मैन्युफैक्चर करेगा इनको इट्स फैसिलिटी इन सानंद गुजरात सानंद गुजरात में है वहां पर यह जी स्टीम पावर अपने इन तीन स्टीम टर्बाइंस को बनाएगा इन कोलेबरेशन विदेल जी पावर ने प्रोवाइड किया है न्यूक्लियर स्टीम टर्बाइन फॉर दी ऑन गोइंग एन प्रोजेक्ट एट द का इन गुजरात उसके अलावा है यहां पर आपका रावत भाटा इन राजस्थान एज वेल एज बस ये दो विच वुड सप्लाई टू पॉइंट एट कंप्लीटेड तो ऑलरेडी ये टाइप के तहत ये आपका प्रोवाइड कर चुका है आपका इस कोलेबरेशन के तहत यहां पर ये ओके सो यहां पर एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन एक तो 165 मिलियन Uh, आपका एग्रीमेंट uh, कितनी अमाउंट का, का. का किया गया है 165 मिलियन का किसके साथ किसका किया गया है यह भी पूछा जा सकता है दैट इज दी भेल का जी ई स्टीम पावर के साथ किया जी स्टीम पावर का भेल के साथ किया इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ गया ठीक है और ये कौन से प्रोग्राम कहाँ कहाँ हो रहे हैं गोरखपुर हरियाणा में और कायगा कर्नाटका में हो रहा है इसके लिए तीन न्यूक्लियर स्टीम टर्बाइंस देने हैं ठीक है ये ऑलरेडी एक एग्रीमेंट 2018 में भी इनके बीच में किया गया था जिसके तहत ये 700 मेगावाट का स्टीम टर्बाइन उन्होंने प्रोवाइड करवाया था ये कहां पर मैन्युफैक्चर किया जाएगा सनंद गुजरात में यहां पर मैन्युफैक्चर किया जाएगा यह क्वेश्चन और नीचे वाला क्वेश्चन भी है कि इसके तहत यहां पर कहां कहां पर वर्क चल ही रहा है राजस्थान के रावत भाटा में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है और दूसरा काकरा पर गुजरात में न्यूक्लियर प्लांट है ये दोनों के बीच में कोलेबरेशन यहां पर भी काम कर रहे हैं ठीक है तो ये आपकी पूरी पूरी न्यूज आई एग्जाम पढ़ने से कि जो जो चीजें रेलेवेंट है वो आपके सामने है थोड़ी सी बड़ी न्यूज है इसलिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी आपको याद करने में लेकिन एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी अगली खबर पे चलते हैं एंड दैट इज आंध्र प्रदेश की तरफ से आई है आंध्र प्रदेश ने एग्रीमेंट किया है बाइजूस के साथ ओके बाईजूस के साथ यहां पर जो एमओयू साइन किया है उसके तहत यहां पर अबाइजू कंपनी जो है वो एजुकेशन फील्ड में यहाँ पर आपके ऑब्वियस है ऑलरेडी जानते ही आप तो ये गवर्नमेंट स्कूल्स को यहाँ पर आपका क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने में मदद करेगा अंडर दिस पार्टनरशिप क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइडेड बाय विल मेक इट इजियर फॉर द चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड इन विजुअल मीडियम एंड ऑल्सो हेल्प इन अचीविंग बेटर रिजल्ट फॉर द स्टूडेंट स्टडिंग बिटवीन क्लास फोर टू टेन इन गवर्नमेंट स्कूल अक्रॉस द स्टेट तो यहां पर आपका क्लास चार से दस के बीच में यहां पर आपका ये किया जाएगा बच्चों को टारगेट किया जाएगा उनको यहां पर आपका क्या किया जाएगा उनको यहां पर टैब्स प्रोवाइड किए जाएंगे टू गाइड द स्टूडेंट्स हु आर करंटली स्टडिंग क्लास एट एंड विल बी प्रिपेयरिंग अपीयरिंग फॉर द क्लास टेंथ एग्जाम इन सीबीएसई इन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव द गवर्नमेंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग द टैब्स टू 4.7 फोर स्टूडेंट्स इन एट अ कॉस्ट ऑफ करोड़ ठीक है है तो ये हाँ पर, ये पर हाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि इनको क्या क्या दिया जाएगा सो so बेसिकली पहला क्वेश्चन तो यही है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने कौन सी एजुकेशन कंपनी के साथ टाई अप किया है राइट right आंसर आपका बाइजूज रहेगा पहला क्वेश्चन तो ये आपका बनेगा दूसरा क्वेश्चन कौन सी क्लास से कौन सी क्लास के बच्चों को यहां पर आपका Uh, मिलकर उसके ऊपर काम करेंगे दैट इज ए क्लास फोर टू टेन इसके अलावा टैब्स कौन सी क्लास के बच्चों को दिया जाएगा दैट इज ए क्लास एट्थ एंड विल बी अपीयरिंग फॉर क्लास टेंथ एग्जाम 2025 में इनको टैब्स दिया जाएगा एंड इसके अलावा यहां पर तकरीबन कितने स्टूडेंट्स को टैब्स बांटेंगे दैट इज द फोर पॉइंट सेवन लैख स्टूडेंट्स को ये आपका टैब बांटेंगे पांच सौ रुपए की कोस्ट के साथ जो पांच सौ रुपए की कोस्ट आएगी उसपे ठीक है तो यहां पर यह पूरे पूरी न्यूज आंध्र प्रदेश बाइजूज बच्चों की संख्या क्लासेस कौन कौन सी हैं टैब्स किसको दिए जाएंगे कितने रुपए का टैब होगा ये तमाम क्वेश्चन इस न्यूज में से आपके बनकर सामने आ रहे हैं राइट right, चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं अगली न्यूज आई है आपकी दैट इज असम ने इंप्लीमेंट किया है वन नेशन वन राशन कार्ड सो वन नेशन वन राशन कार्ड एक ऐसी स्कीम थी जिसके तहत आपका अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं और अगर आप पंजाब में जाते हैं और वहां पर अगर आपको राशन चाहिए तो आप नहीं ले सकते थे ये आपका बहुत साल पहले ऐसे हुआ करता था आपके अगर राजस्थान सरकार का राशन कार्ड है तो आप पंजाब में जाकर राशन नहीं परचेज कर सकते जो बी पी फैमिलीज को राशन मिलता है है ना उसकी मैं बात करूँ ऐसा है, आपके लिए नहीं है कि अगर आप अच्छी ठीक फैमिली से बिलोंग करते हो और बीपीएल परिवार से नहीं है तो आप मैं सर क्या राजस्थान का रहने वाला मैं पंजाब में जाकर मुझे अगर खाना खाना है तो मैं खाना नहीं खा सकता ऐसा क्या सर ऐसा कैसे बोल रहे हो ये वो नहीं है ये है राशन कार्ड जो राशन कार्ड पे आपको खाना मिलता है उसकी मैं बात कर रहा हूं जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं मिलता क्योंकि जो राशन कार्ड होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है यहां पर लेकिन ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो शुरुआत की गई थी उसके तहत ऐसी चीज़ों को यहां पर खत्म करने की कोशिश की गई थी खत्म इन द सेंस कि यहां पर अगर आप राजस्थान के या फिर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले और आपको कर्नाटका जाना है तो आप अपने मध्य प्रदेश के राशन कार्ड के बेस पर कर्नाटका में भी राशन शॉप्स पे यहां पर जाकर राशन परचेज कर सकते हो ये आपका पॉसिबल हुआ है वन नेशन वन राशन कार्ड के स्कीम के तहत अभी तक वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत सभी के सभी यूटीज और स्टेट्स यहां पर उसके साथ जुड़े नहीं हुए थे लेकिन असम जो था इसके साथ ही ये स्कीम के साथ जुड़ने के Uh, साथ ही यहाँ पर यह पूरे पूरे इंडिया में ये स्कीम अब लागू हो चुकी है यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड ऑल स्टेट्स एंड यूटीज़ में अप्लाई हो चुका है तो अब किसी भी स्टेट या यूटी में ऐसा कुछ भी आपको पॉसिबिलिटी नहीं दिखेगी जहां पर आपको जाकर राशन नहीं मिलेगा आपके राशन कार्ड पे यानि कि आप गुजरात के रहने वाले हैं तब आप असम में जाकर राशन खरीद सकते हैं असम के रहने वाले हैं तो आप तमिलनाडु में भी जाकर राशन ले सकते हैं तो यूटीज में इंप्लीमेंट की जा चुकी है ये स्कीम। और ये अपने आप में पहले तरीके का इनिशिएटिव था पूरे कंट्री में जो कि यहाँ पर बहुत ही कम समय में यहाँ पर सभी जगह अप्लाई हो चुका अगस्त 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी तकरीबन 71 करोड़ पोर्टेबल ट्रांजेक्शन यहां पर हो चुकी हैं अब तक मतलब इकहत्तर करोड़ लोगों ने इस मतलब इकहत्तर करोड़ बार लोगों ने यहां पर इस चीज को किया है यानी एक स्टेट का राशन कार्ड दूसरे स्टेट में यूज किया गया इकहत्तर करोड़ बार अब तक ठीक है जब से स्टार्ट हुई है तकरीबन चालीस हजार सिर्फ डिलीवरिंग फूड ग्रेन्स इक्वलन टू चालीस हज़ार हाँ मतलब चालीस हज़ार हो सकता है अमाउंट है है ना क्योंकि दो रुपए एक रुपए में मिलता है ना राशन ऐसे ही मिलता है पांच रुपए दो रुपए तो इक्वलेंट मिलाकर चालीस हज़ार ही होंगे है ना मुझे तो ये लग रहा है मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन भी यहां पर रोल आउट की गई है जिसके तहत यहां पर ऑनरोक के प्लान को यहां पर आप एडवांटेज ले सकते हैं मतलब तो उस एप्लीकेशन में आपको हर एक चीज मेरा राशन के तहत आपको मिल जाएगा कहां पर राशन शॉप्स हैं कहां पर मेरा राशन कार्ड अप्लाई होगा कैसे होगा किस तरह से होगा ये सब रियल टाइम इंफॉर्मेशन बेनिफिशरीज को तेरह लैंग्वेजेज में अवेलेबल होती है इस मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ठीक है ओके तो यहां पर एग्जाम पढ़ने से क्वेश्चन कौन सा स्टेट बनाया थर्टी सिक्स स्टेट दैट इज असम और ये यहां पर कब शुरुआत हुई थी 2019 में शुरुआत हुई थी कितने अब तक ट्रांजैक्शन हो चुके हैं कितनी अमाउंट के हो चुके हैं और कौन सी ऐप का नाम क्या है मेरा राशन अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं पूछता कि ये ऐप कितनी लैंग्वेजेज में है तो इसमें से ये छठा क्वेश्चन बनता दैट इज ए तेरा लैंग्वेज में है ठीक है तो ये आपके क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम पढ़ने से बन सकते थे अगली न्यूज असम का स्टेटिक आ गया एंड असम के बारे में रिसेंट न्यूज आ गई सारी की सारी अगली न्यूज है यहां पर फोक फेयर बीसवा फोक फेयर यहां पर इंडिया के ट्राइबल कल्चर को प्रमोट करता हुआ नेशनल ट्राइबल फोक सॉन्ग एंड डांस फेस्टिवल विद नेशनल लेवल एग्जीबिशन 20 जून से 24 जून के बीच में ओडिशा के जगन्नाथपुरी में यहां पर आयोजित किया गया है नेशनल एग्रीकल्चर एग्जीबिशन भी है इसी के साथ साथ तो यहां पर फोक फेयर तो है यही लेकिन तेरहवीं कृषि फेयर भी यहां पर आयोजित किया गया है यहां पर लोकेशन क्या है जगन्नाथपुरी ओडिशा में है आपका ये चलिए मिनिस्टर स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर जल शक्ति विशेश्वर टूडू जी ने इनाइग्रेट किया इसको और दोनों को इनाइग्रेट किया सरद बल्ली पुरी ओडिशा दोनों के दोनों फेयर्स यहां पर ट्राइबल कल्चर को प्रमोट करने के लिए उनके द्वारा जो भी एग्रीकल्चर के फील्ड में इनोवेशन किया गया है उसको यहां पर शोकेस किया जाएगा अगले पांच दिनों के लिए तो यहां पर एग्जाम पढ़ने से लोकेशन पूछ सकते हैं इस फेयर की कहां पर किया गया है तो लोकेशन याद रख लीजिएगा लोकेशन पूरी याद रखिएगा सरधल बल्ली जगन्नाथपुरी ओडिशा इसकी लोकेशन है ठीक है तो ये लोकेशन आपको याद करनी है दैट इज इंपॉर्टेंट ठीक है लोकेशन इसमें पूछी जा सकती है चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं ओके okay. यार, निकल गई न्यूज ओके अच्छा फोटो नहीं लगे श्रीलंका रिवाइज मिनिमम एज फॉर माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर्स सो यहां पर कैबिनेट ने डिसाइड किया है टू तो अमेंड द मिनिमम एज फॉर श्रीलंकन फीमेल माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर टू तो ट्वेंटी वन ईयर्स तो यहां पर आपका हाल ही में श्रीलंका की आप हालत सभी के सभी लोग जानते हैं चर्चा में बनी हुई है श्रीलंका आए न आए दिन आपका जो वहां पर इमरजेंसी है चाहे फाइनेंशियल हो लेवल पे हो लोगों के पास पैसा नहीं है क्या क्या हो रहा है गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है इकोनॉमिक क्राइसिस है तो इसलिए श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या सोचा श्रीलंकन गवर्नमेंट ने वहाँ की जो महिलाएँ हैं जो वहाँ पर आपका नौकरी करती हैं उनकी एज को कम कर दिया है ताकि वो विदेश में जाकर नौकरी कर सकें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं विदेश में जाएंगी थोड़ा बहुत पैसा कमाएंगी और वो पैसा ऑब्वियस है कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी में भी बाद में फ्यूचर में देखने को मिलेगा तो ये यहां पर रिवाइज की है कैबिनेट ने इसके लिए एज 21 इयर्स कर दी है एट प्रेजेंट श्रीलंका गवर्नमेंट जो थी उसके द्वारा इनकी एज 25 साल थी टू वर्क इन द सऊदी अरेबिया तेईस साल मिडल ईस्टर्न कंट्रीज और 21 साल में अदर कंट्रीज की थी अब इन्होंने सभी के सभी जगह पर 21 साल उम्र कर दी है इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड फॉरन एम्प्लॉयमेंट ने प्रपोजल एस प्रपोजल दिया टू द मिनिमम एज ऑफ श्रीलंकन फीमेल माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए ठीक है तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल ने क्वेश्चन कितनी एज कर दी गई है इक्कीस साल पहले कितनी एज थी ये लिखा हुआ अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग थी सऊदी में काम करते हैं उसके लिए आपको 25 साल चाहिए अगर आप मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में काम करते हैं तो आपको इसकी एज तेईस साल चाहिए बाकी कंट्रीज में इक्कीस साल लेकिन अब इनमें भी सऊदी में भी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में भी एज इक्कीस साल हो चुकी है ये श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है अब वहां पर बाहर जाएंगी ज़्यादा ज्यादा महिलाएं जाएंगी यहाँ पर महिलाओं का हाँ, ही मैंने महिलाएं हामी महिलाएं हैं वही मैंने सोचा महिलाएं ठीक है महिलाएं यहां पर ज़्यादा से ज्यादा जाएंगी वहां पर वहां की करेंसी में कमाएंगी ऑब्वियस कुछ पैसा घर पर भी आएगा और वो एक होता है ना कि आपको कि सर कितना पैसा आ जाएगा मान लो ये एक हज़ार डॉलर कमा रही हैं पाँच सौ डॉलर कमा रही हैं भैया श्रीलंका के इस टाइम हालत ऐसी है कि उनके लिए एक एक डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो इसलिए जितना भी पैसा वो वहाँ पर श्रीलंका भेजेगी उतना ही उनको यहाँ पर बहुत अच्छा है एक होता है ना जैसे समुद्र में पानी की एक बूंद मिल जाए समथिंग लाइक दैट ओके तो वो समुद्र में एक रेगिस्तान में पानी की एक बूंद भी यहाँ पर बहुत ही मूल्यवान होती है ओके okay, अगली खबर है साउथ कोरिया से साउथ कोरिया ने अपना पहला यहां पर सैटेलाइट वहीं पर ही बना हुआ सैटेलाइट नहीं कहूंगा एक स्पेस रॉकेट जो है साउथ कोरिया में ही बना हुआ ये आपका लॉन्च कर दिया है और इसी के साथ साउथ कोरिया उन देशों में शामिल हुआ है जिनके पास खुद की अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी है इससे पहले ये टेक्नोलॉजी आपकी यूएसए रशिया फ्रांस चाइना जापान और इंडिया के पास ही है केवल और केवल इसके अलावा नहीं है किसी के पास और अब साउथ कोरिया इसी फील्ड में यहां पर आ गया है साउथ कोरिया सक्सेसफुली लॉन्च एंड पुट्स इट्स होम ग्रोन स्पेस रॉकेट द दर्बिट इट इज नेम्ड एज द नूरी रॉकेट नूरी इसका नाम है एंड वॉज लॉन्च फ्रॉम ओनली स्पेस लॉन्च सेंटर ऑफ द कंट्री जो कि एक स्मॉल आइलैंड पे है उनके सदर्न कोस्ट पे लॉडेड विद 162.5 किलोग्राम परफॉर्मेंस वेरिफिकेशन सैटेलाइट जस्ट एक नॉर्मल सैटेलाइट थी ऐसा कुछ नहीं था कि जस्ट टेस्टिंग के लिए उसको बनाया गया था 162 केजी की वो थी एज वेल एज फोर क्यूब सैटेलाइट फॉर एकेडमिक रिसर्च के लिए वो भेजी गई एंड 1.3 टन डम्मी सैटेलाइट नूरी यहां पर आपकी भेजी गई एट द टारगेट ऑफ सेवन हंड्रेड किलोमीटर अब दर्थ विद दिस लॉन्च ये इन देशों के बीच में यहां पर शामिल हो गया है तो एग्जाम पॉइंट क्वेश्चन कौन सी कंट्री ने हाल ही में अपना स्पेस प्रोग्राम शुरुआत की है राइट right आंसर रहेगा साउथ कोरिया आपका कौन सा रॉकेट जो भेजा है वो क्या नाम है उस रॉकेट का ये इंपॉर्टेंट है रॉकेट का नाम है नूरी साउथ कोरिया ये पहला क्वेश्चन रॉकेट का नाम नूरी और एज वेल एज दी ये भी पूछ सकते हैं कि क्या क्या पर्पज से सैटेलाइट का नाम भी नूरी इन्होंने सैटेलाइट भी यहां पर डम्मी है ये डमी सैटेलाइट का नाम नूरी नहीं है मैं कंफ्यूज हो गया था है उसका कोई नाम नहीं है नूरी रॉकेट का ही नाम है ठीक है और ये कौन कौन से कंट्री ये अच्छा क्वेश्चन है जो बन सकता है कि अमंग द द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ कंट्री इज नॉट हैविंग इट्स स्पेस प्रोग्राम इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप देख लेना यूएस रशिया फ्रांस चाइना जापान और इंडिया और साउथ कोरिया के अलावा जो भी नाम रहेगा वो आपका गलत आंसर हो जाएगा ठीक है ओके चलो अगली न्यूज पे चलते हैं इंडिया की अनहत सिंह जीता है इन्होंने एशियन जूनियर स्क्वैश टाइटल अंडर 15 कैटेगरी में अनहत सिंह जी ने गोल्ड मेडल जीता है अंडर 15 कैटेगरी एट द ट्वेंटी नाइन्थ एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप हराया इन्होंने कुआंग मैना को जो कि होंगकॉन्ग से हैं द टूर्नामेंट वाज हेल्ड इन पटाया पटाया थाईलैंड में आपका टूर्नामेंट हुआ था आपका एंड अनहत नेशनल सर्किट टाइटल्स टू नेशनल चैंपियनशिप एंड एट इंटरनेशनल टाइटल ऑलरेडी है जीत चुकी हैं और ये इकलौती महिला इकलौती इंडियन गर्ल है महिला महिला खिलाड़ी कह लीजिए टू विन द यूएस जूनियर ओपन इन एनी कैटेगरी एंड द ब्रिटिश जूनियर ओपन ये भी इनके नाम है खिताब ये इकलौती ऐसी खिलाड़ी बनी है तो एग्जाम पढ़ने से अनहद सिंह मैं अगर एग्जामिनर होता तो मैं ये पूछता अनहद सिंह कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करती है तो ये शायद ही आप में से कुछ लोग 50 परसेंट लोग तो याद कर याद करने के बाद रिटेन कर पाते बाकी को याद ही नहीं रहता अनहद सिंह हमने कहाँ पढ़ा था क्योंकि उन्होंने अनहद सिंह की न्यूज़ इस तरह से याद नहीं करी थी कि अनहद सिंह स्क्वैश की खिलाड़ी उन्होंने इस तरह से याद किए थे अनहद सिंह ने कौन सा खिताब जीता या फिर उन्होंने इस तरह से याद करी थी कि एशियन जूनियर स्क्वैश टाइटल अंडर 15 कैटेगरी में किसने जीता वो जीता अनंत सिंह ने आपने इस तरह से न्यूज याद की थी देखो हम कहते हैं ना कि एग्जाम में रिटेन सर कैसे रखे चीजों को रिटेन रखने की जरूरत आपको हर एक एंगल से आनी चाहिए रिटेन तभी होता है जब आप हर एक एंगल से सोचो यहां पर आपने एक एंगल से तो सोच लिया कि किसको मिला था ये खिताब अनहद सिंह को मिला था क्योंकि आपके माइंड में वही चीज बार बार दौड़ती रहेगी आप रिवीजन भी करोगे तब भी आपके माइंड में दौड़ती रहेगी दौड़ती रहेगी मैं अगर क्वेश्चन पूछ लूं कि अनहद सिंह कौन सा स्पोर्ट्स से बिलोंग स्पोर्ट करती है नीचे आपको टाइटल दे दो स्क्वैश बैडमिंटन इस कंफ्यूज हो जाएगा अरे यार, यार ये अनहद सिंह कहां पढ़ा था फिर आपको याद आएगा कि यार एशिया एशिया कुछ तो था स्क्वैश तो याद ही नहीं आएगा आपको माइंड में तो इसलिए जब भी न्यूज पढ़ो उसको 360 डिग्री के तरह से कि हाँ 360 हम देख रहे हैं कि क्या क्या चीज किस 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 दिन आपको यह समझ में आ गया कि डिजाइनिंग हो सकती है क्या पूछा जा सकता है क्या नहीं पूछा जा सकता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है तब उस दिन आपको यहां पर करंट अफेयर्स रिटेन होने भी शुरू हो जाएगी आपको रट्टे मारने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी ओके अगली खबर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने यहां पर हाल ही में लॉन्च किया है आपका एट्थ इंटरनेशनल योगा डे एक बुक यहां पर जिसका टाइटल है अष्टांग योगा लिखा है सोनू फोगट के द्वारा सोनू फोगट के द्वारा यहां पर को लिखा गया है यहां पर एंड सात बीस ओके सो अष्टांग योगा सोनू फोगट चलो अगली न्यूज इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है क्रॉस द ग्लोब दिस डे इज प्राइमली सेलिब्रेटेड टू दी बर्थ ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी जब इनकी एंड इस बार इसकी थीम है टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड इस बार इसकी यहां पर थीम है ओलंपिक डे की अगली है यूनियन यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे 23 जून को जितने पब्लिक सर्वेंट्स हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशन हैं ये उनकी वैल्यू को यहाँ पर दर्शाता है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे एंड इस बार इसकी थीम है बिल्डिंग बैक बेटर फ्रॉम कोविड 19 एनहेंसिंग इनोवेटिव पार्टनरशिप टू मीट दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंटरनेशनल विडोज डे यहाँ पर 23 जून को ऑब्जर्व किया जाता है एंड इस बार इसकी थीम है सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर विडोज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ये आपका 23 जून को ऑब्जर्व किया जाता है अगला अगली खबर थोड़ी सी छोटी नहीं है अगली खबर थोड़ी सी बड़ी है जो कि है इंटरनेशनल योगा डे से संबंधित अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल योगा डे के बारे में जो जो भी इवेंट वहां पर योगा डे के मौके पर हुए कहां कहां पर हुए तो इस न्यूज़ को थोड़ा सा ध्यान से सुनना इस न्यूज़ को थोड़ी सी लंबी न्यूज़ पड़ेगी आपको ऐसा नहीं ऐसानिया सिंपल डे करा के जाएंगे पूरी पूरी न्यूज़ यहाँ पर आपके लिए रहेगी ठीक है चलो एक बार पढ़ो इस पेज को मैं पानी पी लूँ फिर मैं शुरुआत करता हूँ चलो इंटरनेशनल योगा डे जून 21 को एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है द ग्लोब ऑन ऑन जून टू क्रिएट अवेयरनेस इंपॉर्टेंस ऑफ योगा योगा की इंपॉर्टेंस को दर्शाने के लिए किया जाता है और इसमें यहां पर आठवां इंटरनेशनल डे ऑफ योगा था इस बार थीम है इसकी योगा फॉर ह्यूमैनिटी इस बार किसकी थीम है जितने भी योगा से जुड़े हुए इस बार इवेंट हुए सबकी थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी है उस दिन में एक हमने इवेंट पढ़ा था उसकी उसकी थीम भी योगा फॉर ह्यूमेनिटी थी पहला 2015 में हुआ था यूनाइटेड नेशन ने यहां पर इसको घोषित किया था इंडिया की रिकमेंडेशन पे 21 जून द समर सोलस्टाइस वाज चूजन टू मार्क द आईडीवाई आईडीवाई यहां पर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सिंस दिस डे होल्ड सेवरल स्पेशल सिग्निफिकेंस अक्रॉस द ग्लोब सबसे ज्यादा लंबा दिन होता है इक्कीस इक्कीस जून को तो सूर्य जो है अपनी चरम सीमा पर होता है ठीक है तो इसलिए इस दिन को चुना गया बाकी भी बहुत सारे यहां पर हमारे इसके लिए महत्व है इक्कीस जून के तो दिस इज द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पहले पेज पे तो ये कुछ चीजें लिखी हुई है कब किया गया है पहला कौन सा कब किया गया था क्यों इक्कीस जून को ऑब्जर्व किया पहले पेज पर इसके थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में हो गया और थीम क्या है ये चीज हो गई अगले पेज पे चलते हैं इसके कुछ इवेंट्स के ऊपर परमानेंट मिशन फॉर इंडिया टू यूनाइटेड नेशन हैज ऑर्गेनाइज्ड एन इवेंट लर्न योगा फ्रॉम मास्टर सो यूनाइटेड नेशन ने ऑब्जर्व किया लर्न योगा फ्रॉम मास्टर जिसमें लेक्चर योगा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था नॉर्दर्न लोन ऑफ यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर जो कि न्यूयॉर्क में है यहां पर हुआ था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो किया था योगा डेमोन्स्ट्रेशन वो किस बार कहा किया था मैसूर के पैलेस ग्राउंड में मैसूर कर्नाटका में किया था वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने पार्टिसिपेट किया था एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा परेड ग्राउंड इन सिकंदराबाद तेलंगाना में इसके अलावा यहाँ पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जो हमारे देश की आजादी को 75 साल हुए हैं उसी के तहत यहाँ पर 75 अलग अलग लोकेशंस में 75 हमारे देश के मंत्री इन्होंने यहाँ पर योगा डे को सेलिब्रेट किया योगा डेमोन्स्ट्रेशन वहां पर 75 यूनियन मिनिस्टर्स के द्वारा 75 लोकेशंस पर आपकी हुई है और हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं उनकी राष्ट्रपति भवन में उन्होंने वहां पर किया था योगा तो इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिखा क्योंकि वो कहीं बाहर योगा नहीं कर रहे थे वो राष्ट्रपति भवन

जो कि यहां पर सन के सूरज के जो मूवमेंट को है उसको सेलिब्रेट करता है अंडरलाइन कंसेप्ट ऑफ वन सन वन अर्थ ओके सो एक ही धरती है एक ही सूरज है और द गार्जियन रिंग के कंसेप्ट को यहां पर लेकर आया गया है इसी मौके पर जो कि सन के मूवमेंट को ऑब्जर्व करता है सन कहां से कैसे किस तरह से जा रहा है और कैसे यूटिलाइज हो रहा है सोलर एनर्जी एंड ऑल उस चीज की यहां पर बात की गई है ठीक है एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम पीपल फ्रॉम ऑल द कंट्री इन सिक्सटीन डिफरेंट टाइम जोन आपको क्या पता है कि धरती अलग अलग सोलह टाइम जोन में बटी हुई है हमारा प्यार हमारी प्यारी धरती ठीक है अगर मैं बात करूं तो आपको खुद को पता है कि मान लीजिए ये किस तरह से बताएं ठीक है तो ये यहां पर ऊपर रशिया वाला ये यूरोप आ गया यहां पर हमारा इंडिया आ गया ये पाकिस्तान वाकिस्तान आ गया खाड़ी देश आ गया ये अफ्रीका आ गया ये नॉर्थ और ये साउथ अमेरिका आ गया ठीक है इधर नीचे ऑस्ट्रेलिया है और इधर कुछ द्वीप समूह वाले बने हुए हैं ठीक है द्वीप द्वीप है इधर जापान वपैन आ गया इस तरफ से सारा सारा और इधर जाएंगे चाइना वाइना जो भी है नीचे चाइना भी है बीच में तो ये सारा का सारा जो एरिया इधर से जाओगे तो घूम के साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा इधर रशिया जो है वो बिल्कुल अमेरिका के साथ लगता है जब अगर मैप में देखोगे ना तो रशिया का कोना और अमेरिका का कोना जो है ना बिल्कुल एकदम सटता है बहुत कम डिस्टेंस है मतलब ऐसा डिस्टेंस है समझ लो कि जैसे मतलब उतनी दूरी पे तो हमारा अंडमान निकोबार उससे ज्यादा दूरी पर है है ना इतना ज्यादा कर लो क्लोज है अगर इधर से जाऊं तो चलो मैं उस पर नहीं जाता ये इस तरह से हमारा ग्लोब आपने देखा होगा तो यहां पर इनको टाइम जोन से बांटा गया ऐसे ऐसे करके पढ़ा होगा यार ज्योग्राफी में आपने है ना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पढ़े है ना आपने तो वही है आपका तो ये आपका अलग अलग ऐसे सोलह मैंने सारे नहीं बनाए सोलह टाइम जोन है यानी कि इस टाइम जोन में रहोगे इतने में रहोगे तो टाइम हमेशा सेम रहेगा इतने में रहोगे तो सेम रहेगा इस तरह से यहां पर इनको 16 टाइम जोन में पूरी पूरी धरती को यहां पर बांटा गया है तो ये यहां पर आपका 16 डिफरेंट टाइम अलोंग विद द राइजिंग सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वुड वेलकम द सन विद द योगा सेलिब्रेटिंग द इंडियन ट्रेडिशन ऑफ सूर्य नमस्कार और सन सैल्यूटेशन ओके सोलह सोलह टाइम जोन में जिस जिस जगह पर जैसे जैसे सूरज पहुंचेगा उस उस तरह से वहां पर सूर्य नमस्कार किया जाएगा यही था ये गार्जियन रिंग प्रोग्राम के तहत तो ये सेलिब्रेशन ठीक है तो यहां पर आपका और इंडिया की मैं बात करूं इंडिया में यहां पर अब आप ये सोचो देखो अगर नॉर्मल बात करूं इंडिया है ठीक है नीचे यहां पर श्रीलंका है गॉट इट ठीक है ये पाकिस्तान आपका आ गया इस तरफ पे राइट तो यहां पर अब देखो कि इंडिया का कोलकाता तो इस तरफ है गुजरात इस तरफ है ठीक है यहां पर वेस्ट बंगाल और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है हमारे और श्रीलंका नीचे है जबकि श्रीलंका और इंडिया की टाइमिंग के बीच में 20 मिनट का फर्क है और ये क्यों है क्योंकि यहां पर आपका सूरज वहां पर पहले पहुंचता है है ना इंडिया में थोड़ा सा बाद में पहुंचेगा क्योंकि सूरज इधर से आएगा ना तो ऐसे अगर मैं मापू तो यहां पहले पहुंचेगा फिर यहां पहुंचेगा फिर यहां पहुंचेगा तो यहां पर पहले पहुंचता है इस जगह पर लेट पहुंचता है लेकिन यहां पर टाइमिंग और यहां की टाइमिंग इंडिया में सेम है श्रीलंका को तो नीचे है लेकिन फिर टाइमिंग यहां की और यहां की अलग क्यों नहीं है क्योंकि इंडिया जो पूरा पूरा देश है ये सॉरी ये यहां पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार चलता है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार एक लोकेशन है यहां पर उत्तर प्रदेश में जिसका नाम है मिर्जापुर उस लोकेशन में जो भी समय होगा वो पूरे पूरे इंडिया में यहां पर अप्लाई होता है चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो चाहे वो गुजरात हो चाहे नॉर्थ ईस्ट में सूरज चार बजे उगे लेकिन टाइमिंग वही के वही सामने आपको दिखेगी सूरज के अनुसार टाइमिंग नहीं होती पूरे इंडिया में मिर्जापुर में जो टाइम होगा उसी के अनुसार यहां पर पूरे इंडिया में टाइमिंग एस्टेब्लिश की गई है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको कहते हैं ओके खैर थोड़ा सा अलग चलेगा हम टाइम जोन की बात पर आगे चलते हैं डी इंडिया यहां पर एक प्रोग्राम एक चैनल यहां पर आपका Uh, जिसने ब्रॉडकास्ट किया इस पूरे पूरे प्रोग्राम को अराउंड 80 इंडियन मिशन आर ऑर्गेनाइजिंग योगा इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जापान में इससे सबसे पहले शुरुआत की गई कि जापान में सबसे पहले सूरज आपका uh, उगता है एंड दी डीडी इंडिया ने इंश्योर किया 80 योगा इवेंट्स को यहां पर पूरा पूरा उन्होंने दिखाया प्रोग्राम विल फर्दर स्प्रेड द मैसेज ऑफ वसुदेव कुटुंबकम एंड शोक द यूनिफिकेशन पावर ऑफ इंडिया योगा ट्रेडिशन इसको भी यहां पर दर्शाया गया ओके okay, इस मौके पर यहां पर कुछ अवार्ड्स भी दिए गए ये अवार्ड्स यहां पर विनर इंटरनेशनल इंडिविजुअल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल इंडिविजुअल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन दो इंटरनेशनल अवार्ड दो नेशनल अवार्ड यहां पर इन इन पर्सनलिटीज को इन इन ऑर्गेनाइजेशन को दिए गए ये किस लिए दिए गए क्योंकि उन्होंने काफी अच्छा योगदान दिया है योगा को, योगा को प्रमोट करने के लिए योगा को प्रमोट करने के लिए इन्होंने पूरे ग्लोबल लेवल पर यहां पर अपना पूरा पूरा योगदान दिया गया है ठीक है ओके okay. द विनर्स वर ऑनर्ड विद द ट्रॉफी सर्टिफिकेट एंड कैश अवार्ड ऑफ 25 लाख ईच ओके 25 लाख रुपए दिए गए जी किशन रेड्डी यूनियन मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड ओलंपियन पीवी सिंधु ने भी पार्टिसिपेट किया इस इवेंट में हैदराबाद तेलंगाना में क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसको छोड़ सकते हो सो so, ये यहां पर आपका किया गया है और ये विनर्स के नाम आ गए ओके okay, उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी पूरी न्यूज समझ में आ गई होगी योगा डे से संबंधित जितनी चीजें आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट है मैंने सारी की सारी आपको बता दी है राइट right, चलिए आगे चलते हैं वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे ये भी किस जून को ऑब्जर्व होता है यहां पर इसकी थीम भी है हाइड्रोग्राफी कंट्रीब्यूटिंग टू यूनाइटेड नेशन डेकेट ओके और ये आपके काफी टाइम से ये जो चीज पेंडिंग थी आपके लिए टेबल पूरा पूरा एक साथ दे दिया है इंपॉर्टेंट डेज जो जून के हैं ठीक है अलोंग विद देयर थीम एक साथ आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी अब आपके सामने एक ही जगह पर सारी चीजें अवेलेबल है जिस जिसकी थीम है उसकी लिख दी गई जिसकी नहीं है उसका एन लिख दिया गया है ठीक है कई बार नहीं होती है थीम हर एक चीज की तो देर इज एन ए और इक्कीस जून तक यहां पर लिखे हुए आज के हैं वो इंक्लूड नहीं किए नेक्स्ट में इंक्लूड कर लिए जाएंगे ठीक है ओके मेरे दोस्तों तो उम्मीद कर दो तो आज का सेशन पसंद आएगा बैंकिंग की मैं अलग से क्लास नहीं ले रहा क्योंकि आज एक ही न्यूज है बैंकिंग की तो यहीं करके जाते हैं हम ठीक है अलग से मैं वो प्राइवेट कर दूंगा सेशन को जो दिखाई दे रहा एक ही न्यूज थी सो सेबी ने फॉर्म किया हाइब्रिड सिक्योरिटी एडवाइजरी कमेटी हाइब्रिड सिक्योरिटी एडवाइजरी कमेटी 25 मेंबर की एक सिक्योरिटी एडवाइजरी कमेटी की गई है जो कि यहां पर बेसिकली कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को प्रमोट किया जाएगा जो कि हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स हैं हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बेसिकली ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि शेयर्स एज वेल एज डिबेंचर्स को यहां पर करते हैं फॉर्मुलेट कई सारे ऐसे डिवेंचर्स होते हैं डिवेंचर्स के फॉर्म में कंपनीज हमसे लोन लेती है डिवेंचर्स क्या होता है कागज का टुकड़ा जो कि हमें प्रोवाइड किया जाता हमें लोन लोन देती है लोन देते हैं हम किसी कंपनी को और उसके बदले में हमें कंपनी इंटरेस्ट देती है ठीक है शेयर्स शेयर्स नॉर्मल जो शेयर मार्केट में है हम यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हाइब्रिड होते हैं हाइब्रिड मतलब कन्वर्टेबल होते हैं मैंने डिवेंचर ले लिया उसको मैं कल को शेयर में कन्वर्ट करा सकता हूँ मैंने कोई और ऐसी चीज़ ले ली उसको मैं डिवेंचर में कन्वर्ट करा सकता हूँ तो कन्वर्टेबल तो ऐसी चीजों को हम हाइब्रिड लेते हैं या फिर ऐसी कोई चीज जिसमें आप सौ रुपये इन्वेस्ट कीजिए तो पचास पैसे आपके वहां इन्वेस्ट होंगे पचास पैसे वहां होंगे इस तरह के प्रोडक्ट्स को हम हाइब्रिड कहते हैं तो यहां पर हाइब्रिड जो सिक्योरिटीज है उसको यहां पर आपका देखने के लिए हाइब्रिड हाइब्रिड सिक्योरिटी एडवाइजरी कमेटी की शुरुआत की गई है उसको किया गया है कि ये आपका एडवाइस देगी किस तरह से हम हाइब्रिड सिक्योरिटीज को और प्रमोट कर सकते हैं सो so, कुंदापुर वमन कामत केवी कामत जी चेयरपर्सन है इस नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के ये इस कमेटी को चेयर करेंगे इसके अलावा इस कमेटी में ये सारे के सारे लोग शामिल हैं याद करना है आपकी इच्छा है नहीं करना छोड़ सकते हैं लेकिन चेयरपर्सन का नाम तो आपको याद करना ही पड़ेगा और टॉप लेवल ऑफिशियल्स इनविट और से भी यहां पर शामिल रहेंगे और 20 मेंबर की एक कमेटी रहेगी इसके अलावा यहां पर एक और 16 मेंबर की कमेटी बनाई गई है जो कि यहां पर कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए कुछ ऐसे रेगुलेशंस रूल्स लॉज यहां पर उनके ऊपर रिसर्च करेगी उनके बारे में यहां पर बताएगी और इसको हेड करेंगे डॉक्टर रवि वी रवि अंशुमन जो कि प्रोफेसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर के ठीक है और इनके अदर मेंबर्स के नाम भी लिखे हुए हैं याद करने हो तो कर लेना नहीं करने हो तो एटलीस्ट चेयरपर्सन का नाम आपको याद होना चाहिए ओके okay, मेरे दोस्तों आज के सेशन में इतना ही था उम्मीद करता तो हूं आज का सेशन पसंद आएगा इस तरह मेरे साथ जुड़े रहिए बने रहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना नोटबुक सीरीज और आ, टेस्ट सीरीज आपके पास होनी चाहिए अगर आप रिलीजियसली मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आंख बंद करके आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं जरूर ज्वाइन कीजिएगा टॉप नोच लेवल का कंटेंट है आपके लिए खुफिया क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं आप अपने लेवल पर पढ़ लीजिएगा पांच छह क्वेश्चन हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे ओके ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कैसी लगी क्लास लाइक जरूर कर देना और यहां पर उम्मीद करता हूं आज आपको सही लगी होगी क्लास क्योंकि कल की क्लास में बहुत अजीब अजीब से कमेंट्स मुझे देखने को मिले कि सर क्लास मत लिया अगर वगैरह ऐसे पढ़ाना होता है वगैरह वगैरह आप ये दे दो हमारा भी टाइम वेस्ट करते हो वैसे वैसे कमेंट मुझे कल देखने को मिले तो यही उनके लिए बात कहूँगा कि जिंदगी के जो पल होते हैं जिंदगी के हर एक दिन हमेशा एक जैसा नहीं होता आपकी जिंदगी में कुछ दिन ऐसा आया होगा जब आप बिल्कुल एनर्जी आपकी लो हुआ करेगी मेरे जिंदगी में वैसा दिन कल था तो उसके लिए अगर आपको बुरा लगा कि मैंने बढ़िया तरीके से नहीं पढ़ाया तो प्लीज एटलीस्ट इस तरह का मत बोला कीजिए क्योंकि आप अपनी जगह आप अप, मेरी जगह पे अपने आप को रख के देखे लगा कीजिए फिर इस तरह का अगर कुछ कमेंट करना हो तो जरूर किया कीजिए आपके सजेशन वेलकम हमेशा करता हूं लेकिन इस तरह के कमेंट्स भी मैं कभी वेलकम नहीं करता जिसमें आप कहें कि सर आज ये क्या कर दिया आज वो क्या कर दिया वो क्या हो गया ये क्या हो गया क्योंकि हर एक उंगली जो होती है वो भी हर एक उंगली में बराबर नहीं होती किसी किस दिन आपकी एनर्जी जरूर डाउन होती है अब ये आप सोचिए कि मैं हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे सकता कि आज मैं क्यों ऐसा हूँ है ना वो भी नहीं दे सकता कुछ चीजें पॉसिबल नहीं होती बताने टेक केयर बाय सी यू इन प्लस क्लास मुलाकात करते हैं आ जाएगा वहां